हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वीटी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं आपके पास पीनट्स, मूंगफली और कोकोनट नारियल की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ 50 ग्राम के करीब ये मूंगफली ले लिया है। यहाँ पे कुछ सूखा नारियल मैंने ले लिया है, कट कर लिया है इसे। आप चाहें तो पानी वाला भी नारियल चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, एक जिंजर और एक गार्लिक की कुछ कलियाँ को ले लिया है। मैंने गैस पर तवा को रख दिया है, फ्लेम कम कर देंगे और मैं ये मूंगफली को हल्के रोस्ट करूँगी। तवे पे सूखा मैं रोस्ट करूँगी। आप इसे रोस्ट कर कर डालिए, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं रोस्ट करने से मूंगफली के। अब देखिए, मैं इसे मीडियम या स्लो फ्लेम कर दीजिए। स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसे रोस्ट होने तक भूनूंगी ताकि ये अच्छे से हमारे पीनट्स रोस्ट हो जाए। देखिए, मैंने इसे ऐसे रोस्ट कर लिया है। अब अपने हाथ से ऐसे ऐसे आप इसको मैश के इसके छिलके कुछ कुछ निकाल लीजिए, जितना आपसे निकल जा रहा है। फिर मैं इस मिक्सी जार ली हूँ, मैं इसमें ये सारे सामग्री को ऐड करूंगी। सभी को मैं इसमें इसका पेस्ट तैयार करूंगी। ये सारी सामग्री आप इसमें ऐड कर दें। और इसको आप पेस्ट तैयार कर लें। मैंने पेस्ट इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए मैंने ये पैन को गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। मैं इसमें तड़का सरसों ऑयल में लगाती हूँ। एक या दो टेबल स्पून के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये राई ऐड करूंगी, जिसे आप लोग ब्लैक सरसों बोलते हैं। मैं इसमें ब्लैक सरसों एक टेबल स्पून के करीब ऐड करूंगी। ये दोनों अच्छे से तड़कने लगे तब मैं इसमें चटनी में ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसमें करी लीफ ऐड कर सकते हैं। हमारे पास करी लीफ नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मैं इसे गैस ऑफ कर दूंगी। इसे पेस्ट कर लिया है और ये तड़के के लिए मैं अब इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें करी लीफ जरूर ऐड करें, मेरे पास करी लीफ नहीं थी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार, मैं हाफ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये सबको मिक्स कर दूंगी और आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। इडली, डोसा, पराठे किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो नारियल और बादाम की चटनी की, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो सब करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।